श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कल्याण है और मन का भी शांति मिली दोनों दृष्टि से। भक्ति साधारण लोगों का भावना है, ये भक्ति एक भावनात्मक या कुछ नहीं। हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का जैसे साइंटिस्ट नहीं। अभी का साइंटिस्ट देखना, एक साइंटिस्ट आकर एक फिलोसफी बोलता है, दूसरा साइंटिस्ट आकर के पूरा उसको काट खत्म कर देता है, कहते जैसे गलत बोला है सब। लेकिन हमारी भागवत उपनिषद गीता में जो एक एक जब शब्द बोला उसका एक अक्षर भी काटने वाले नहीं, क्योंकि उसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनुभूति करके बताया है। हाँ, ये भगवान का वाणी है, इसलिए ये भगवान की वाणी सत्य है। हाँ, इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो व्यवस्था किए हैं वो सब कुछ आध्यात्मिक, मन को भी शांति मिले और शरीर का भी अच्छा, दोनों दृष्टि से सब कुछ बात होता है, केवल एक दृष्टिकोण से नहीं। इसलिए हमारे जैसे भगवान का कीर्तन होता है, आप तो भारत के लोग भगवान का ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हम ताली का बजाते हैं तो किसका जो ग्लोरी करते हैं, मतलब ताली बजा कर किसका स्वागत करो। फिर भगवान का कीर्तन में ताली बजाना मतलब होता है भगवान की हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं। इसलिए ऋषि मुनि ने बताया, अगर भगवान का कीर्तन में कोई ताली बजाएगा उसको पहला गुण किया है, कहते ताली किसके लिए बजा रहे हैं, और ठाकुर जी के लिए। इसलिए कहते अगर कभी कभी हमारा हाथ रेखा कभी गड़बड़ रहता है, इसलिए हम कभी जीवन में दुख कष्ट उठाना पड़ता है। कहते अगर भगवान के कीर्तन में कोई ताली बजाएगा, कहते अगर हस्तरेखा अगर कभी उल्टा सीधा हो, गड़बड़ी हो, कहते वो सही बजा रहा है, क्योंकि आप किस में ताली बजा रहे हो, ठाकुर जी की कीर्तन में ताली बजा रहे हो। दूसरा कारण बताए तुलसीदास, उसका दूसरा कारण बता रहे हैं, जैसे आपने कहीं हमारे भारत में गेहूँ चावल कुछ पैसे आंगन में कहीं सुखाने के लिए दिया, अगर कभी वहाँ चिड़िया अगर कोई चुग रहा है, हम क्या करते हैं, भगवान के लिए ताली बजाते हैं, और चिड़िया क्या होता है, वह उड़ जाता है। कहते उसी तरह कभी कभी कहते पाप आकर हमारी बुद्धि को गड़बड़ी करता है, पाप चिड़िया कभी कभी आकर के हमारी बुद्धि को खराब करता है। अगर प्रभु का कीर्तन में कोई ताली बजाएगा, तुलसीदास कह रहे हैं, कहते पाप रूपी चिड़िया ये उड़ जाती है ताली बजाने पर। कहते ये तो दोनों आध्यात्मिक ही है, लेकिन शरीर के लिए क्या है, कहते शरीर के लिए आप लोगों को पता है एक आंखों प्रेशर है, आंखों प्रेशर तो 5000 से पहले ही भारत में था, वो किसी तरह से चला गया श्रीलंका, फिर लंका से अभी चले गया चाई। अभी वो लोग अभी आंखों प्रेशर हाथ और पैर के तो पूरा बॉडी का जो स्विच है वो हाथ में और पैर में, इसलिए कौन सा पेंट से दबाने पर कौन सा बीमारी सही होता है वो पूरा हाथ से सारी बीमारी को सही करते हैं। अब पता होगा आपको, प्रश्न पता है ना, इसलिए सब कुछ वो हाथ से सही करते हैं, कुछ सारी बीमारी हाथ से वो सही करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों को बताया था अगर ताली बजाएंगे दो काम होगा, एक तो भगवान की महिमा गाना होता है और दूसरे में आपका आंखों प्रेशर होता है। जो ताली बजाएंगे क्या होगा, सारे पेंट से अपने आप दबता है, दबने पर क्या होगा, शरीर का बीमारी सही होता है। आप लोग तो भारत से आए हो, कभी कीर्तन में हम नाचते हैं, नृत्य करने पर वो भी वही होता है, प्यार में सारे पैर से प्यार में है, जब नाचते हैं वो क्या होता है, वो वहां से भी सही होता है। इसलिए भगवान के कीर्तन में ताली बजाएंगे तो कहते उसमें कहते अपने आप वो आंखों प्रेशर होता है, शरीर का बीमारी भी सही होता है। और उसका चौथा कारण बताए साइंटिस्ट लोग, कहते ब्रेन का दो पार्ट है, ताली बजाने पर इसका प्रभाव ब्रेन में ऊपर पड़ता है, इसलिए ब्रेन का नस खुली जाती है और पूरा ब्रेन ही बनते हैं। ताली बजाएंगे तो कहते वो बहुत आप इंटेलिजेंट बनोगे, क्योंकि इसका प्रभाव ब्रेन के ऊपर पड़ता है, पढ़ने पर तो ब्रेन खुली जाती है और बुद्धिमान होते हैं। इसलिए ताली बजाने पर बहुत सारे काम है, बीमारी सही होगा,
जो दीवान बनोगे हाथ का देखाई बदल जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ विधान रखा वो हर दृष्टिकोण से रखा, केवल भावात्मक रूप में नहीं, वो शरीर के लिए और मन सबके लिए उन्होंने किया है। इसलिए ताली बजानी चाहिए कीर्तन में, ठीक है ना। जितने जोर से ताली बजाएगी उतना ही भगवान भी खुश होंगे, शरीर और बीमारी भी सही होगी, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम भगवान का जो नाम है, जो भक्ति है, कहते ये सबसे मीठा से मिठाई है भगवान का नाम। और मंगल में ये सबसे जो मंगल है ये भगवान का नाम है। तब कहते सकृत भी, अगर एक बार कोई भगवान का नाम ले उसका सारे पाप खत्म हो जाता है, मन को बड़ा शांति मिलता है। तब हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग उसको परीक्षा करके देखा, बोले क्यों बोलते हैं ये भगवान का नाम में इतना शांति क्यों मिलता है। उसका एक उदाहरण दिया कि जैसे साबुत मूंग है, साबुत मूंग उसको उन लोगों ने भिगवाया, साबुत मूंग मुँह को भिगा कर उसको तीन जगह पर रख दिया, तीन जगह पर रख दिया, एक जगह तो बेच रख दिया साबुत मुँह को भिगा करके, एक जगह में भगवान का जो नाम है कीर्तन को कैसेट चला दिया, हाँ कैसेट चला दिया, और एक जगह पर एक रॉक म्यूजिक वहाँ पर चला दिया, हाँ जो इधर उधर सब बेकार म्यूजिक उसको चला दिया। देखा जहाँ पर बेस जो मूंग डाल रखा हुआ था उसमें जो अंकुर आता है भिगाने के बाद, वो जितना गुण में आया जहाँ पर भगवान का कीर्तन को लगा कर रखा था उसके चार गुणों को आया, और जहाँ पर ये रख म्यूजिक लगा रखा था वो मर गया, उसमें अंकुर ही आए। इसका मतलब है जो भगवान का अगर नाम अगर नहीं हो, उल्टा सीधा चीज हो, वो कितना उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, और जहाँ पर भगवान का नाम हो उसके ऊपर कितना अच्छा असर पड़ता है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं कुछ ना कुछ तो है। इसलिए भगवान का जो नाम है बड़ा शक्ति है, बड़ा आनंद है। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी को आप दिन भर देखो, हनुमान क्या करते हैं, भगवान का नाम, राम का नाम करते, प्रभु का कीर्तन करते। शंकर जी को देखो, आप देखना शंकर जी को मूर्ति, प्रभु ध्यान में बैठे रहते, नहीं तो कैलाश में माता पार्वती को शंकर जी भगवान की कथा सुनाते हैं। इसलिए जगत में जिसको जितने देवा देवियों को पूजा हो रही है, अब उसका पीछे आप देखिएगा, जो जितने प्रभु का भक्ति किया है, जो जितने प्रभु का नाम किया है उसका उतना ही पूजा। सबसे पहले भारत में गणेश जी की
कोई पूजा हो तो पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होता है ना, जानते कि नहीं? गणेश जी का बोले क्यों पूजा होता है, कारण क्या? हम बोले कारण है वो ठाकुर जी का नाम की महिमा है, क्योंकि एक समय सारे देवता हमें जब बैठे करके वहां पर विचार हुआ, सबसे पहले किसकी सेवा हो, सब पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, मतलब जो पृथ्वी को सबसे पहले घूम करके आ जाएगा उसका पूजा होगी पहले। अभी सबके सब अपना अपना वाहन लेकर गए, कार्तिकी चला गया मयूर वाहन लेकर के, ब्रह्मा जी लेकर हंस वाहन, कोई अलग अलग वाहन को लेकर गए, लेकिन गणेश जी का वाहन छुआ है और कितना दूर जाएगा, और गणेश जी का पेट भी बहुत बड़ा है। अभी गणेश जी वहां पर चुपचाप बैठा हुआ, कहीं जा नहीं पा रहे, इतने में श्री नारद जी आए, बोले देखो एक काम करो, तुम भगवान राम का नाम लिखो, लिख कर उसको तुम तीन बार परिक्रमा करो और बैठ जाओ। अभी इस मैंने प्रभु राम का नाम लिखा और तीन बार परिक्रमा करके बैठ गया, बोले देखो हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान का जो नाम है भगवान से बढ़ करके प्रभु का नाम है, इसलिए और भगवान का अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है प्रभु के अंदर में, इसलिए तुम एक बार परिक्रमा, वो तो सबके सब एक बार परिक्रमा लगाने के लिए गए, सब आ जाए ना, तुम बोलना तुम तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा लगाया, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को तीन तीन बार परिक्रमा लगाया। सबके सब घूम घाम करके आए बड़े दिनों में, आ करके देखा गणेश जागता बैठे हुए, किसने कहा मैंने पहले परिक्रमा लगाया, किसने कहा तेरे से पहले हमने आया, गणेश जी ने कहा देखो तुम लोग तो एक एक बार एक एक ब्रह्मांड को परिक्रमा लगाया, मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैं तीन तीन बार परिक्रमा लगाया। सब लोग ने जोर जोर से हंसे, ये गणेश मोटे और पेट मोटा और चुहावान बैठा हुआ और बोलता है मैं तीन तीन बार परिक्रमा लगाया। तो विचार हुआ, विचार हुआ तो बोले देखो भगवान का नाम का अंदर में सब कुछ है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए भगवान अभिन्न स्वरूप प्रभु का नाम है, इसलिए उसने प्रभु के अंदर विश्व ब्रह्मांड ये तीन तीन बार लगाया, इसलिए एक बार नहीं तीन तीन बार, इसलिए सब जय हो गया गणेश जी की। और सबसे पहला गणेश जी की हमारे भारत में अग्र जो पूजा होता है सिद्धिदाता रूप में, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए इस भगवान की ये नाम की महिमा है। इसलिए कलयुग में कहते तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग के बोला नाम आधारा सुमरी सुमरी नरो परिपरा, कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, कलयुग में केवल एक ही है भगवान का नाम है, प्रभु का नाम से जीव को भव सागर से अपने आप संसार से उद्धार होता है। इसलिए अब तो भारत ये हो, अब देखिएगा जब अंतिम समय पर किसी व्यक्ति को कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, क्या बोलते हैं सुने हो कभी, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, कहते बेटा राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो जाते है, सब कोई बात झूठा है। बेटा अगर जीवन में कहीं प्रभु का नाम लियो, अगर तेरे साथ में प्रभु का नाम ही जा रहे और जीवन में जो कुछ तुमने किया हो झूठा भी बताया सब तेरे को छोड़ कर जाना पड़ता, और जितने प्रभु का नाम तुमने किया हो वही पोटली बांध करके ही तेरे साथ में वही जा रहा है, और तेरे साथ संसार का किसी वस्तु नहीं दे रहे, इसलिए कहते वही बुद्धिमान है जो जीवन में भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करे। ठीक है, आप अगर छोटे से कहानी सुनाता और भी याद रखना, तुम हिंदी समझते हो ना, ये बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छी कथा है जिसके द्वारा हमारा जीवन में एक ज्ञान प्राप्त होता है। अब याद रखना, आप भी किसको सुनाओगे तो उसका भी मन परिवर्तन हो जाएगा, प्रभु की भक्ति करने लग जाएगा, इतने शिक्षा पूर्ण है। कहते एक समय कोई एक राजा था, कहते राजा की चार रानियां थी, कि चार रानियों में सबसे जो बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसका मन पसंद चीज को ला ला कर उसको खुश करने के लिए देता था राजा। राजा की जो दूसरी रानी थी चार रानियों में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था इसको सबसे कीमती कीमती साड़ी गहना पहना करके रथ में बैठा लेता था और पूरा नगर में घूमता था, दुनिया को दिखाता था देखो मेरी ये दूसरी रानी कितने सुंदरी है। राजा की जो तीसरी रानी थी कहती रानी बात को बना बना करके मीठी मीठी बोली बोलती थी, इसलिए राजा जो पूरा नगर को घूम घूम कर आते थे ये रानी को पास में बैठते थे और उसकी मीठी मीठी इसकी बोली सुनते थे और अपना मन की बात केवल ये रानी को बताते थे। अभी राजा की जो चौथी रानी थी है तो बड़ी प्यारी अच्छी, लेकिन राजा जब से उसको शादी करके घर में लाए उसे कोई मतलब नहीं रखा, उसे कोई पूछा भी नहीं, मेरे साड़ी साबुन तेल कुछ चाहिए उसे कोई पूछा ही नहीं।
अभी राजा को समय हो गया इस संसार छोड़कर जाने का। अभी राजा ने सोचा मेरे तो चार चार रानियां हैं, अभी इनसे प्रश्न करता हूँ कौन कितना दूर मेरा साथ देता है। सबसे बड़ी नंबर बड़ी रानी की आई, बोले रानी मैं सबसे ज्यादा तेरे को मैंने प्रेम किया और तेरा मन पसंद का चीज चिल्ला करके दिया है, मेरा अंतिम समय आ गया, चलो भी मेरे साथ में। वो सबसे ज्यादा धोखा दी उसने, क्या तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलने वाली, क्योंकि जिंदगी भर तेरी इच्छा पूरी करते करते चला गया। बोले क्या किया आपने, लेकिन आप तो साथ में कदम भी नहीं चल सकते। राजा को इतने ढेर से धोखा पहुंचा, तो देखो कैसी जगह है। अभी दूसरी नंबर की आई, सबसे जो प्यारी सुंदर थी, जिसको राजा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके घुमाया करते थे। बोले रानी तू क्या करोगे, बोले तो मैं देख रही तू कब मरोगे, दूसरे से शादी करना। बोले क्यों, बोले देखो मैं कितने सुंदरी हूँ, जहाँ जाऊँगी मुझे वही पसंद कर लेगा, मैं शादी कर लूँगी दूसरे से, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे। बोले भगवान ये कैसे ये बात करती है, कैसे कार्य की। अभी तीसरे से बोले, बोले रानी तू क्या करोगे, कि दोनों से थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले मैं चलूंगी आपको साथ में, लेकिन दरवाजा तक चल सकते, बोले आगे, बोले आगे नहीं चल सकते, दरवाजा तक मैं चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना उसको कहते हैं, कहते थोड़ी बोलोगे थे और थोड़ी दूर चल सकते हो, लेकिन मैं साथ नहीं देख सकते। राजा ने देखा ये भी कोई चलना चलना नहीं है। अभी चौथी नंबर आई, जिसको तरफ में राजा कभी झांक करके भी नहीं देखा, बेकार जिसको समझ कर रखा था, ये तो किसी काम की नहीं। राजा ने उसको जो पूछा, बोले तू क्या करोगे, उसको तो बड़ा क्रोध आया। बोले तूने जिंदगी में मेरे तरफ में एक बार देखे हो, शादी करके घर में लाए हो, कभी मेरे तरफ में भूल से भी देखे हो, जिंदगी में तो मेरे तरफ में देखा भी एक बार नहीं, अब मरते समय बोल रहे हो मेरे साथ में चलो, तेरे को शर्म लगनी चाहिए। राजा ने कहा तेरे को तो पूछना नहीं चाह रहा था, देखा रानी जो पूछ कर देख लेता। रानी कहती है राजा सबसे ज्यादा मैं आपको ही प्रेम करती, लेकिन दुख की बात है आप मेरे तरफ में एक बार भी झांक करके नहीं देखा, और जो साथ देने वाले नहीं और दिन भर उनका ही सेवा करते रहे तुमने, लेकिन जो किया किया, लेकिन मैं बेईमानी नहीं हूँ, मैं आपको साथ साथ चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी, प्राण देकर तुम्हारी मैं सेवा करूंगी। राजा ने तो आश्चर्य हुआ, जिनके लिए संपूर्ण जीवन दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ नहीं किया वो बोलती है सब कुछ करेगी। हाँ देखो ये कथा है, अभी इसका सत्यता समझो, जो सही बात है ये हमारा जीवन की सही कथा है। कहते सबसे बड़ी रानी मतलब है राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो अंतिम समय आने पर जो हमें सबसे ज्यादा धोखा देगा। इसका मतलब जिसको अभी हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अंतिम समय आएगा वो सबसे ज्यादा हमें धोखा देने वाले हैं, बेईमानी हमारे साथ में करे, बता सकते हो कौन है जिसको, हाँ जिसको हम सबसे ज्यादा अभी प्रेम कर रहे हैं, अंतिम समय आएगा तो हम सबसे ज्यादा वही हमें धोखा देने वाले मिलेंगे, कौन है कौन है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी हमारे शरीर। इसलिए आपने बताया कुछ दूर तक, बताया कुछ दूर तक सही कुछ बताया, इसलिए सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, शास्त्र कहता है हम अपने आप को प्रेम करते हैं, जो हमें प्रेम दिखता है शास्त्र कहता है जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, संसार है सब केवल स्वार्थ में, जो प्रेम हमें दिखता है कुछ स्वार्थ दूसरे से जब तक मिलता है तब केवल प्रेम ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन आप देखना थोड़ी सी स्वार्थ इधर उधर हो जाए, वो पत्नी क्यों नहीं हो, वो बेटा क्यों नहीं हो, वो कोई कुछ नहीं हो, पिता माता क्यों नहीं हो, आप देखोगे सब प्रेम बिखरते हुए दिखता है। उदाहरण दिया है अब हार देखो, देखना गन्ने से रस निकालते, गन्ने से बेसिन एक बार देगा रस निकल गया, देखेगा उसमें और रस है उसको डबल करेगा, फिर दो बार देगा, देखा उसमें और रस है उसको चार बार करेगा, फिर देगा, देखा अभी और रस है ना उसका आठ बार करेगा, जब तक उसमें रस रह जाएगा तब तक वो निकालते रहेगा, जब देखेगा ऐसे रस खत्म हो गया उसको फेंक देगा। उदाहरण दिया संतों ने, कबीर दास ने उतार दिया, ये संसार ही बेस है, तब तक हमारे संसार में प्रेम दिखेगा जब तक हमारे खून है, हम किसी को इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, किसी को सुख दे सकते, तब तक प्रेम ऊपर से दिखेगा,
जब देगा कुछ काम का नहीं, सब रस निकल दिया हमको संसार से, हमको फेंक देगा, कोई आदर नहीं करेगा हमको। इसलिए कहते हैं हम सबसे जिसको प्रेम कर रहे हैं अपना शरीर को प्रेम करते हैं, ये शरीर को जो अच्छा है, जैसे राजा उसका मन पसंद चीज देता था, इस शरीर को जो जो पसंद चीज वही खिलाते हैं, वही पहनाते हैं, वही सब कुछ करते हैं शरीर के लिए। लेकिन जब अंतिम समय आया, शरीर को पूछा चलोगे, कि तेरे साथ में कदम भी हम चलेंगे, हम तेरे साथ में कदम भी नहीं चलेंगे। हिंदी में एक भजन है, कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब शरीर से परमात्मा चली जाए, शरीर नहीं पर पड़ा रह जाएगा, हमें साथ नहीं देती। ये पहले सबसे जिसको हम ज्यादा प्रेम करते थे, वो पहला नंबर हम सबसे धोखा दी। अभी सुंदरी है हाँ, जो बोलती है मैं देख रहा है, तो कब मरोगे, हम दूसरे से शादी कर लूंगी। कहते वो कौन है, उन्होंने बताया पैसा है हाँ, इसलिए पैसा है इस सबसे सुंदरी है हाँ, इसलिए पैसा रहेगा तो हम जाएंगे घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे। कहती है पैसा की कमाल है, एकादशी थी ना, हमने सब में व्रत रखा होता है, तो एक प्रसाद से में टाइम होता है, इसलिए कर गए अपनी शुरू रखते हैं। इसलिए जो सबसे सुंदर थी, क्या सबसे पैसा सुंदर थी, जिसको राजा सब दुनिया का, उसको पूछे क्या चलोगी, वो बोलती है मैं देख रहे हो तो कम मरोगे, दूसरे शादी करोगे। इसका मतलब है अभी हमारे पास में पैसा, हम इसको अपना भोग करते हैं, लेकिन मरने के बाद ये पैसा हमारा नहीं रहता है, मरते ही फिर दूसरे का नाम पर ही हो जाता है, मरते ही शरीर झट दूसरे का नाम पर हो जाता है, और जिसको पास में जाएगा वो उसको भोग करेगा। इसलिए वो बोलती है मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, तुम्हारा पास में नहीं रहूंगी। अभी तीसरे नंबर आई, जो जो बड़े मीठी मीठी बात बोलती थी, जिसको पास में राधा बैठते थे हाँ, गप्प मारते थे, बोले ये कौन है, कहते सब परिवार वाले, सारे परिवार वाले। जब शरीर छुटता है, सर्वप्रथम पत्नी नंबर आए, पत्नी को बोले चलोगे साथ में, बोले चलोगे दरवाजा तक चल सकते हो। अगर हमारे जो हिंदू संस्कृति, पति जब शरीर छोड़ता है, पत्नी कहाँ पर जाती है, दरवाजा बाहर नहीं, जो कुछ रोध हो अंदर में करो, बाहर नहीं। इसलिए बोलते चलूंगी दरवाजा तक मैं चल सकती हूँ, बोला आगे नहीं चल सकती, वो दरवाजा तक साथ देती है। परिवार वालों से पूछा, बोले कहाँ तक आप चलोगे, बोले चलेंगे आपके लिए रथ से जाएंगे, अर्थी से जाएंगे, और अर्थी में रख करके राम नाम सत्य करते करते आपको ले जाएंगे। बोले कहाँ, बोले प्लेन घाट तक ले जाएंगे। बोले क्या करो, बोले प्लेन में आपको बैठा देंगे। बोले कौन सा प्लेन, बोले तुम्हारे लिए चिता से जाएंगे, और चिता में वहीं पर लेटा करके वहीं पर जला देंगे, और टाटा करके वहीं से हम वापस आ जाएंगे, और तुम्हारे साथ में हम चलने वाले नहीं है। देखो जिन जिन उनको प्रेम करता था यही तक दिया। अभी चौथी नंबर देखो, जो अंतिम समय में जिसको तरफ वो देखा भी नहीं, सोच रहा था बेकार है ये तो किसी काम का ही नहीं, इसलिए उसको तरफ एकदम नेगलेक्ट करके रखा था। लेकिन जब अंतिम समय आया, वो ही बोलती है तुम्हारे साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी बनूंगी। कहते वो कौन है, कहते भगवान और उनका नाम है हाँ। इसलिए हमारे भारत संस्कृति यही है, मरते समय उसको यही बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, यही उसको बोलते बोलते ले जाते हैं। कहते सत्य तो केवल प्रभु का नाम है। इसलिए मीरा का भी एक भजन है, मीरा की, वो कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन, लगता है सब जानते हो भजन है ना। इसलिए कहते पायो जी मैंने पाया, बोले क्या मिला, बोले अंतिम समय बोले राम रतन धन, केवल राम रूप रत्न रूपी यही धन मिलता है। बोले कहाँ से मिला है, बोले भस्तु अमोल भक्ति मैंने सदगुरु, कहते सदगुरु से मिलता है। बोले ये कैसे धन है, बोले इसको चोर नहीं जावे, लूटे नहीं जावे, फूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़ते सवाए, कहते ये धन कभी खत्म होने वाले नहीं, तो धन हर समय बढ़ता रहता है, कभी घटती नहीं है धन को। तब तो हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, कहते मानो आपके पास में अभी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ की आप मालिक हो, आपका सारा जीवन अक्लांत परिश्रम करके पैसा को हमने कमाया, एकदम दिन रात समान करके
मेरे गुरु जी कहते थे अभी आपका सैलरी छूट जाएगा, बताओ आपको साथ में यहाँ का धन कितना जाएगा, यहाँ का धन जो हमने किया कितना जाएगा, जाएगा नहीं, एक भी पैसा आप नहीं ले सकते, हाँ सब यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो हमारे गुरु जी कहते किसी कारण से अभी अगले जीवन में हमने ऐसे कोई कर्म नहीं किया, अभी किसी गरीबी घर में हमारा जन्म हो गया, एकदम मजदूर घर में जन्म हुआ, अभी हमको रोटी नहीं मिल रहा, किसी कारण से हमारा याद है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी, ये घर मकान सब मैंने ही बनाया था, सारे मेरा ही है, किसी कारण से आपकी याद है, हाँ अब जाकर अपने बेटे को बोलो, पत्नी को बोलो, ये सब मैंने कमाया कमाया, अगले जीवन में थोड़ा पति था, अगर किसी तरह कैसे आपको याद है, वो बोल रहे हैं क्या बताओ आपको पत्नी बच्चे आपको देंगे कि नहीं देंगे, क्या आपको पत्नी तो पहले डंडा फोड़ना आएगी, सिर फोड़ना आएगी, फिर सिर फोड़ना आएगी पत्नी, जिसको हम पत्नी बोल रहे थे, जिसको बच्चे बोले तो थप्पड़ मारेंगे, कांगाल कहाँ से आ गया, भीख मांगने वाले। यहाँ पर श्री मीरा कहती है आश्चर्य की बात है, तुमने कमाया तुम्हारा सब कुछ हो, लेकिन थोड़ी सी चोला बदल गया तो आप एक पैसा भी छू नहीं सकते। तो मीरा ये भजन में गा रही है कि ऐसे कौन सा धन है जिसको हम कमाते कमाते अगर शरीर छूट जाएगा, अगर बेटा कमाएगा जिसका पिता का अधिकार नहीं, जो पिता कमाएगा जिसका बेटा का अधिकार नहीं, पत्नी का अधिकार नहीं, जो कमाएगा केवल वही अधिकारी बनेगा और कोई अधिकारी इसको नहीं बन सकता। और मिलेगा जैसे बैंक में कुछ पैसा रखो, ब्याज तो मिलता है, ब्याज तो मिलता है, कहते अगले जीवन में उतना नहीं आपको ब्याज के साथ मिलेगी, और क्या है। तो मीरा ये भजन में गा रही है, चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे फूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाय, सवा सवा गुण बढ़ेगा, हाँ कहते वो क्या है, कहते भगवान का नाम है, जितने भगवान का हम नाम जप करते हैं भक्ति करते हैं, इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लुटे वो सो माला माल हो गए, बोले माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हो गए, बोले इसको किसने लुटा, बोले तुलसी मीरा नरसिंह भगत हनुमान, कहते इन लोगों ने इसको चीज, देखो जगत में इनका नाम हो रहा है, जगत में इनकी पूजा हो रही है, इन लोगों ने ये संपत्ति को लूटे, और ये धन को जो लूटे जीवन में वही माला माल हो गए। इसलिए ये कथा की सारांश है, हम जिसको अभी निग्लेक्ट करके रखे हैं वही केवल हमारे काम में आएगा, जिसको हम सब कुछ मान करके खून को पानी करके जिनके लिए कर रहे हैं वो हमारे कोई अंतिम समय में कोई हमारे काम आने वाले नहीं, हाँ ये कथा यही सारा अर्थ है। इसलिए हम लोगों को भगवान कृष्ण कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सब कुछ करो, संसार में सब संसार भी मेरा ही संसार है, लेकिन मेरे भक्ति करते हुए करो, मेरे भजन करते हुए करो, घर को समझो ठाकुर जी का शंकर है, पत्नी को समझो ठाकुर जी की दासी है, बच्चों को समझो ठाकुर जी का ही संतान है, कोई काम करते हो समझो ठाकुर जी का हम सेवा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कोई काम करते हो ठाकुर जी का सेवा मान कर कुछ चीज़ों करो, हाँ घर में जो कुछ खाते हो ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ प्रसाद हो जाता है, हाँ इसलिए सब कुछ करो, फिर क्या हो जाएगा, अगर इस सब देखने पर क्या लगता है कहते कर्म है, लेकिन जब प्रभु को निमित्त करके करेंगे, कृष्ण गीता में कहते हैं कहते वो कर्म नहीं हो जाएगा फिर भक्ति हो जाती है, बोले क्यों, बोले ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं प्रभु के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए कहते कर्म का फल किया बोले बंधन है, लेकिन जब भगवान के लिए करेंगे बोले बंधन नहीं। कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जे यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोकयम कर्मन्नः तदर्थ कर्म कम तय मुक्त संग समाचार तुल, अर्जुन जब मेरे को निमित्त करके कोई कर्म करोगे वो बंधन नहीं होगा, मुक्त उसका फल है, मुक्ति फल है, देखने पर लग गया साधारण लोग जैसे कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं किसके लिए, ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, इसलिए करना तो जो कर रहे हैं वही करना, लेकिन थोड़ी सी हमें भावना को बदलानी चाहिए, केवल भाव और कुछ नहीं, भगवान भाव का ही भूखे हैं, प्रेम के प्रभु के भूखे हैं, इसलिए करना तो वही लेकिन लेकिन थोड़ी सी भावना को बदलाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रश्न ये कहाँ से आएगा, ये भाव हमें कौन देगा, इसलिए तुलसीदास कहते हैं कहते बिनु सत्संग विवेक ना हो राम कृपा बिनु सुलो नाश हो, जब तक प्रभु की राम की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में संत नहीं मिलेगा, जब तक संत मिलेगा जब तब हमारा जीवन बदल जाता है, इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना हो, इसलिए इसका मूल है हमको भगवान के भक्त की संगत करनी चाहिए, हाँ ठीक है, इसलिए
भगवान का नाम करो, अपना काम करो, ठाकुर का सेवा मान करके। लेकिन और एक चीज है, थोड़ी सी हमको खान पान भी बदलनी चाहिए, थोड़ी गंदी चीज़ भी हमको छोड़नी चाहिए। अब लोग तो बाहर से आए हो, एक कहावत है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। जैसे हम अन्न खाएंगे हमारा मन भी वैसे बनेगा। अगर अच्छी चीज़ खाएंगे फिर हम मन भी अच्छी बनेगी, फिर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर उल्टा सीधा चीज खाएंगे तो मन कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, नहीं लग सकती है, क्योंकि हम खा रहे हैं उल्टा पुल्टा। इसलिए हमको कोई मादक द्रव्य सेवन नहीं करनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ये सब चीज़ भी हमको नहीं लेनी चाहिए। और जैसे मांस मछली अंडा ये सब चीज़ भी हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसको खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, फिर तो ये सब चीनी खाने से जीव को भी सुख भी नहीं मिलता है, दुख मिलता है। क्योंकि एक व्यक्ति को कष्ट दे करके छटपटाते हुए किसी को दुख दे करके हम कभी सुख नहीं पा सकते। बता देना, अगर सुख पाना चाहते दूसरों को भी सुख दो, तभी तो सुख मिलेगा। हाँ, दूसरों को दुख देकर कभी हम सुख नहीं पा सकते। और ये सब तामसिक भोजन बताया, तामसिक भोजन बताया, इसको खाने से बुद्धि कभी सही नहीं होगी, बुद्धि खराब होगी। इसलिए इसको हमारे भारत में बोले मांस, ये एक संस्कृत वर्ड है। हाँ, मान मतलब होता है मुझे, सह मतलब होता है वह, इसका मतलब है मुझे वह खाएगा। मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तुमको जो बाद में खाएगा, इसलिए उसको संस्कृत शब्द है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीट बोलते हैं, मी मतलब मुझे होता है, ईट मतलब खाना होता है। इसलिए जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को वही खाएगा। वो अंग्रेजी में भी वही मीट शब्द है, वो हिंदी में भी वही शब्द है। हाँ, इसलिए अभी जिसको कि पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है, हम जितने जिसको खा रहे अगले जीवन में, कृष्ण भागवत में ये श्लोक है, कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जिसको इस जीवन में हम काट कर खा रहे अगले जीवन में फिर वही हम खाएगा। इसलिए थोड़ी खान पान का भी हमें थोड़ा शुद्धता रखनी चाहिए। लेकिन लोगों का मन में कुछ भ्रम धारणा है, भ्रम धारणा ये है कि अगर मांस मछली नहीं खाएंगे अंडा फिर शरीर में ताकत नहीं आएगी, बुद्धि ब्रेन ही सही नहीं बनेगा, तथा शरीर ही खराब हो जाएगा। लोगों का कुछ ये धारणा है, लेकिन ये गलत धारणा है। देखो ये साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, एक तरफ में वेजिटेरियन, दूसरे तरफ नॉन वेजिटेरियन रखते हैं। जैसे कुत्ता है, ये क्या है, नॉन वेजिटेरियन। अब देखिएगा कुत्ता थोड़ी सी दौड़ता है ना, हाँपने लगता है, सोया हुआ भी देखो हाँपते रहा है। बाघ है नॉन वेजिटेरियन। अब चिड़ियाखाने में जाओ, बोले पृथ्वी का सबसे ज्यादा लेजी जो जानवर, ये बाघ को बताया, दिन भर देखो 24 घंटा सोते हुए देखोगे, 24 घंटा आपको ऐसे करते हुए देखोगे। शेर है, अब चिड़ियाखाना में जब शेर को तो ऐसे बैठा होगा, ये सब नॉन वेजिटेरियन है, इनका अंदर कमजोर दिखा रहे। अभी देखो वेजिटेरियन, देखो घोड़ा वेजिटेरियन, कितना ताकत उसके अंदर में, हम तो इतने हार्स पावर हम कहते हैं, इतना हार्स पावर। गधा वेजिटेरियन, हम क्या बोलते हैं, तू गधा जैसे परिश्रम कर रहे हो, कहना गधे जैसे, मतलब इतना परिश्रम करता है। इसलिए इसको पीठ गोबर में पहाड़ में जाकर देखो, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ बैठा करके जहाँ ले जाता है, हम सोच नहीं सकते हो, पीठ के इंसान को बैठा कर कहाँ से कहाँ उठा करके ले जाता है गधे घोड़े। और हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर, सबसे ताकतवान हाथी, वो क्या खाता है, पेड़ पौधा खाता है, वो वेजिटेरियन है। हिरण पृथ्वी में सबसे तेज भागने वाले हिरण है, वो वेजिटेरियन है। बैल वेजिटेरियन, दिन भर खेती कराओ, दिन भर खेती का काम करता है, दिन भर खेती करता है, ये वेजिटेरियन है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन को देखो सबके सब कमजोर है। इसलिए बताए एक वेजिटेरियन को बुलाओ, एक नॉन वेजिटेरियन को बुलाओ, दोनों बोला हाथ ऐसे करे। बोले जो वेजिटेरियन बहुत समय तक हाथ में रख सकता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं रख सकता है, थोड़ी देर बाद में अपने आप तो हाथ नीचे अपने आप नृत्य आ जाए उसका। इसलिए भगवान हमारे जो शरीर बनाया वो नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाया, वेजिटेरियन। उसका उदाहरण दिया है कि जैसे देखो जितने वेजिटेरियन जगत में देखिएगा सभी का दांत बराबर है। जैसे एक बकरी का दांत देखो, एक घोड़ा का दांत देखो, एक ऊंट का दांत देखो, एक बैल का दांत देखिए, सब हमारा जैसे दांत है। ये तो डॉक्टर है, सभी का दांत देखना हमारा जैसे दांत है। ये सब जानवर को भगवान जो बनाया वेजिटेरियन, सबका दांत बराबर बने। और नॉन वेजिटेरियन देखो, कुत्ता को देखो दांत कैसे नोकले नोकले, सिंह का दांत नोकले नोकले, शेर और बाघ का दांत नोकले नोकले, बिल्ली का दांत नोकले नोकले। क्यों, भगवान उसको नॉन वेजिटेरियन बनाया है।
इसलिए दांत यहाँ पर बड़ा होता है क्योंकि उसको मांस काट कर खाना है, लेकिन हम इंसान और जानवर बन गए और उसका भोजनों करना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो शरीर जो बनावटी कहते हैं, हमारा जो शरीर का जो बनावटी वेजिटेरियन के लिए उसका और उदाहरण दिया, कहते कि जानवर को पेट में 2 मीटर नाली होता है भोजन का, जो ये 2 मीटर, और हमारा जितना ताकत है उससे 10 गुण ज्यादा हजम करने का ताकत, उसका आहार मांस है, इसलिए झट पकड़ कर उसको धोने का जरूरत नहीं, पकड़ करके झट वो खा लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ले आओ उबालो, मसाला दो, तेल दो, पता नहीं क्या क्या करके फिर हम चीज खाते हैं, और हमारा पेट में जो भोजन का जो नाड़ी कहते वो 6 मीटर होता है, इसलिए तभी भी 40 घंटा लेता है पेट में उसको हजम करने के लिए, 40 घंटा। इसलिए साइंटिस्ट लोग बताया पृथ्वी में सबसे ज्यादा कैंसर का बीमारी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ज्यादा मांसभोजी इधर का, ज्यादा मांसभोजी इधर का आदमी, इसलिए सबसे ज्यादा कैंसर का बीमारी कहते ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं जो जबरदस्ती खाते हैं और पेट में जाकर बीमारी सृष्टि करता है। लेकिन जो वेजिटेरियन साग सब्जी आसानी से पेट में हजम हो जाती है, आसानी से पेट में हजम हो जाती है चीज़ को, और शरीर के लिए वो अच्छा है, हाँ शरीर के लिए लाभदायक। अब बोले बोले पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्म, क्या बोले ग्लोबल वार्म, अब पता होगा साइंटिस्ट लोग, अभी साइंटिस्ट लोग देखा 33% कंप्यूटर में देखा था 33% जो गर्मी हो रहा है वो मांस का वजह से, खाने की वजह से। इसलिए सरकार सोच रहा है अभी क्या किया जाए, पृथ्वी का जो इतना गर्मी बढ़ गया कहते मांस खाने का वजह से 33% उसके लिए गर्मी हो रहा है। अब बोले पृथ्वी में अभी पानी हर जगह में देखना, जो पानी का लेयर अभी नीचे जा रहा है, पानी का लेयर हर जगह में देखिएगा, दिल्ली में तो हाहाकार मच गया था कुछ दिन पानी नहीं रहा, तो बोले कारण क्या, बोले हम नॉन वेजिटेरियन, बोले क्यों, उसका बताया कहते एक प्लेट वेजिटेरियन अगर जो भेज खाने के लिए 300 लीटर पानी अगर उसको पीछे व्यवहार किया जाए एक प्लेट भेज हो जाए, और नॉन वेज बोले 8000 लीटर पानी एक प्लेट मांस खाने के लिए आपको व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि बकरी को जिसको पालना करते हैं पानी पिला 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 कर जो बड़ा होता है कहते उसको 8000 लीटर उसको पीछे पानी व्यवहार करना पड़ता है, कहाँ 300 लीटर पानी में एक प्लेट भेज बनता है। इसलिए जितने अभी पृथ्वी में जो पानी जो कम हो रहा है नॉन वेजिटेरियन के लिए हो रहा है, और जो खाना जो कम हो रहा है पृथ्वी में कहीं जो खाद्य के अभाव है कहते नॉन वेजिटेरियन के लिए, बोले क्यों, बोले भगवान जो बनाया बहुत कुछ बनाया साग सब्जी है, लेकिन हम नॉन वेजिटेरियन के लिए जैसे किसी जानवर को खिला 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 करके कितने साल में बड़ा होता है कहते उसको पीछे जितना ये चीज का व्यवहार कर रहे हैं, अगर उसको पीछे व्यवहार नहीं करते अगर सब खाए तो पृथ्वी में किसी चीज का अभाव नहीं हो, हर चीज एकदम सबसे आपको मिलेगा। इसलिए हर चीज वस्तु में विचार करके कहते हैं वेजिटेरियन सही है। इसलिए आप तो साइंटिस्ट लोग पता होगा अभी दुनिया में सोचते हैं नहीं वेजिटेरियन बननी चाहिए, वेजिटेरियन सबको बननी चाहिए, इसलिए कोशिश करो ठीक है वेजिटेरियन बनने के लिए। अब तो भारत देखो 1 किलो मांस 300 रुपया की होता है, वहाँ पर 300 रुपया की होगा, आप 300 रुपया 1 किलो मांस लाओ एक दिन खा कर एक टाइम खा कर खत्म कर देते, नहीं 300 रुपया का साग सब्जी लाओ अब 1 सप्ताह तक आप चलेगा, 10 दिन तक चलेगा, और 10 दिन का खाना एक दिन एक बार खरीद करके एक टाइम खाए कर खत्म, देख उससे भी पैसा भी बच गया ना, अब पाप भी बच गया, हर चीज से बच गया, हम लोगों ने हर चीज से बचे हैं। इसलिए देखो कोशिश करो ठीक है, वृंदावन में आना, हम वृंदावन में रहते हैं, ओनली कोलकाता थे क्या, हाँ कोलकाता थे, कौन जगह है, संतोषपुर, संतोषपुर ठीक है, स्वाभाविक है, अब सब बताए था कि